लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भारद्वाज ने बीजेपी के सातों प्रत्याशियों के सांसद के रूप में पहले 100 दिन के कार्यों का जिक्र करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी के सांसद जीतते रहे हैं। बीजेपी बताए कि उन्होंने इतने सालों में क्या किया है। इसके साथ ही भारद्वाज ने बीजेपी से 7 सवाल भी पूछे हैं। लोकसभा के उम्मीदवारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 सांसद अगर जीतते हैं तो 100 दिन में क्या कमाल करके दिखाएंगे वो बताया, और इससे बड़ा कमाल ये किया कि 10 साल के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आ रहे हैं, उन्होंने क्या कमाल किया अभी तक वो नहीं बताया। चांद को दिल्ली में लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मगर 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 7 सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए लाया हूं कि दिल्ली में वैसे तो रोज ही कोई ना कोई जरूरत सांसदों की रहती है, मगर जब सबसे ज्यादा दिल्ली में सांसदों की जरूरत पड़ी तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पिछले 10 साल से कहां थे ये वो दिल्ली वाले को बताएं। सबसे पहला, दिल्ली में 2017-18 में हजारों दुकानों को सील कर दिया गया, शोरूम सील कर दिए गए, छोटे छोटे व्यवसाय बंद कर दिए गए, दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और हजारों दुकानों को सील कर दिया, चाहे वो डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 1 हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास 2 हो, चाहे वो साउथ एक्स हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, हर जगह सीलिंग का कहर बरपा। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने क्या किया पिछले 1.5 सालों में। करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया। मुझे बताइए एक सांसद इनमें से कभी बिल्डोजर के सामने खड़ा हुआ हो, तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। कहा जा रहा है ट्रैफिक को अब सुधारा जाएगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास ट्रैफिक पुलिस आती है, अब तक आपने क्या किया आप बताइए। कोरोना के अंदर जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्र से ऑक्सीजन लाए दिल्ली वालों के लिए जब दिल्ली वाले मर रहे थे? कहां गायब थे वो लोग? आए दिन गर्मियां आती हैं, हरियाणा दिल्ली का पानी रोक देता है, पानी के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ा दी जाती है। एक बार दिल्ली के सांसद बताएं पिछले 10 सालों में कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके उठाया हो ये सवाल, या दिल्ली के का सवाल को उन्होंने संसद में उठाया हो कि दिल्ली का पानी बढ़ना चाहिए, हरियाणा दिल्ली को पानी दे। कभी नहीं। दिल्ली के हक की बात हो, दिल्ली वालों के हक की बात हो, सांसद गायब हो। मेरा सवाल है क्या किया है सांसदों ने दिल्ली के अंदर? आबादी जो है पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर जगह का आदमी आता है, यूपी से आता है, बिहार से आता है, पंजाब से आता है, राजस्थान से आता है, उत्तराखंड से आता है, साउथ इंडिया से आता है। दिल्ली की आबादी बाकी राज्यों से ज्यादा बढ़ रही है, पानी की खपत भी बढ़ रही है। दिल्ली के लिए पानी बढ़ाने के लिए क्या किया सांसदों ने? सांसद बताएं। हाल ही में दिल्ली में बाढ़ आई, हथनी कुंड बराज पे पानी को डायवर्ट किया हरियाणा सरकार ने, जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई, सबके सामने है। आईटीओ बराज के 5 गेट सील थे, जैम थे, जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसदों ने? बात की हरियाणा से कि भाई कैसे आपने दिल्ली को बाढ़ में झोंक दिया? कोई बात नहीं, कभी दिल्ली वालों के हक के लिए खड़े हो, कभी नहीं खड़े हुए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी की तरफ से सवाल है कि वो बताएं कि पिछले 10 सालों में उनके 7 सांसद दिल्ली वालों ने 2 बार चुन के भेजे हैं, अब तक उन्होंने क्या किया 10 साल में वो पहले दिल्ली वालों को बताएं, उसका व्हाइट पेपर दिल्ली वालों के आगे रखें कि ये काम हमने किया था, तो वोट मांगे, गुमराह करना बंद करें। राष्ट्र सर्वप्रथम।
सर्वधर्म।